और मनुष्य से सर्वथा मुक्त है और अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए अवतरित हुआ है। यह अवतार अन्य अनेक अवतारों का उद्गम है और मैं स्वयं आपके नाभि रूपी घर से उनके कमल के फूल से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश स्वर शिव ये तीन देव जो तीन गुणों रजो सतो तथा तमो गुण के अधिष्ठाता है गर्भोदरशायी विष्णु से उत्पन्न होते हैं जिनका वर्णन ब्रह्मा यहाँ कर रहे हैं। शिरोदरशायी विष्णु से विराट जगत की जीवन अवधि में विभिन्न युगों में अनेक विष्णु विस्तारित होते हैं। इनका विस्तार केवल शुद्ध भक्तों के दिव्य स्वरूप के लिए ही होता है। विभिन्न युगों तथा कालों में प्रकट होने वाले विष्णु के अवतारों की तुलना कभी भी बद्ध जीवों से नहीं की जानी चाहिए। विष्णु तत्वों की तुलना ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवों से नहीं की जानी चाहिए नहीं वे समान स्तर पर है। जो भी इनकी तुलना करता है वह पाषाण की कहलाता है। यहाँ पर विलक्षित तमस भौतिक प्रकृति है आध्यात्मिक प्रकृति का तमस से सर्वथा पृथक अस्तित्व है। इसलिए आध्यात्मिक प्रकृति अवबोध रस अथवा अवरोध रस कहलाती है। अवरोध का अर्थ है जो पूर्णतया निरस्तर करे। अध्यात्म में किसी भी साधन से भौतिक संकट की कोई संभावना नहीं रहती। अध्यात्म में किसी भी साधन से भौतिक संकट की कोई संभावना नहीं रहती। ब्रह्मा पहले जीव है और इसलिए वे गर्भोदरशायी विष्णु के उदर से उत्पन्न कमल के फूल से अपने जन्म का उल्लेख करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे।
कैसे पता चले यही
रास्ते से आए थे, टिकट तो होना चाहिए ना। हम बोले कि हम इस पेड़ से आए हैं, उसका प्रमाण क्या होना चाहिए? हमारे पास रेलवे का टिकट होना चाहिए, फ्लाइट है फ्लाइट का होना चाहिए, बस है बस का होना चाहिए। प्रमाण क्या है? किसी रास्ते से आए थे। तो जब आए और भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न पूछा, तब उनके वस्त्र और उनके केश जो गीले थे, उनके केश गीले थे यानी वो गंगा के माध्यम से आए। जिस तरह आप कहा से आए तो आप बता सकते हैं, फ्लाइट से आए तो एकदम टिकट रहेगा, किसी किसी कुछ नहीं जाएगा। अगर ट्रेन के माध्यम से आए तो आपके वस्त्र वस्त्र पूरे हो जाएगा, तो पता चल जाएगा व्यक्ति कौन से रास्ते से आया, चल कर आया कि गाड़ी से आया, उसमें से पता चल जाएगा कि आप चल कर आए कि आप गाड़ी से आए। तो गंगा के माध्यम से आए थे और वहां भगवान शंकरशन ने सनत कुमारों को श्रीमद् भागवत सुनाया, उनके प्रश्नों के उत्तर दिए, और उन्हीं सनत कुमारों को सांख्यायन भी प्रश्न पूछा। सांख्यायन जी ने प्रश्न पूछा सनत कुमारों को, कैसा प्रश्न? जो सनत कुमारों ने प्रश्न पूछा था वैसा ही प्रश्न सांख्यायन जी ने सनत कुमारों से। तो सनत कुमारों ने क्या उत्तर दिया? जो शंकरशन ने उत्तर दिया था भगवान, वही उत्तर सनत कुमार ने सांख्यायन जी को सुनाया। और जब सांख्यायन जी ने प्रश्न किया और सनत कुमार कह रहे थे, तब उनके साथ पराशर जी और बृहस्पति व्यासदेव के पिता पराशर जी और देवताओं के पुत्र बृहस्पति, ये दोनों उनके साथ थे, अकेले नहीं, दोनों उनके साथ थे। तो भी प्रश्न पूछा, तो संकर्षण से आया सनत कुमार के पास, सनत कुमार के पास आया सांख्याय जी के पास, और उनके साथ साथ पराशर बृहस्पति के पास, और बृहस्पति जी के और पराशर जी के पास आने के बाद मैत्रेय मुनि ने पराशर जी से प्रश्न पूछा। सेम प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न मैत्रेय मुनि ने पराशर अपने गुरु का, मैत्रेय मुनि के गुरु का। जब पराशर जी से पूछा गया तो पराशर जी ने वही उत्तर, कौन सा उत्तर? जो शंकरशन जी ने सनत कुमारों को सुनाया, सनत कुमारों ने पराशर जी को सुनाया, और सनत कुमार ने सांख्याय मुनि को सुनाया, उनके साथ पराशर जी उन्होंने सुना, वही उत्तर मैत्रेय जी को। और वैसा ही प्रश्न इस सातवें स्कंध में, सातवें अध्याय में विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, तो वही उत्तर मैत्रेय जी जिन्होंने पराशर जी से सुना था, वही उत्तर उत्तर के कारण शुरू होता है। एक गुरु शिष्य परंपरा है, जिस तरह भगवान ठाकुर से शुरू हो पाती, ये भागवती परंपरा इसी प्रकार चली आ रही है। संकर जी से सुनकर ऐसे गुरु शिष्य, शिष्य गुरु, शिष्य गुरु परंपरा के अंतर्गत ये भागवत एज इट इज हमें गुरु परंपरा माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती की आज्ञा से श्री प्रभुपाद जी ने इस भागवत और भगवद्गीता का तो वही भागवत आज हम पूरे विश्व में सारे इसकॉन टेम्पल इसी पर चर्चा करते हैं। कोई घर का उत्तर गुरु शिष्य परंपरा यही बेनिफिट है, इसमें मन गलत बातें नहीं आती, यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। और दूसरा इसमें आचार्य लोगों की शक्ति मिली हुई रहती है, वही माध्यम से सुनेंगे तो हमें आचार्य द्वारा शक्ति भी प्राप्त होगी, उनको समझने में
या वो काम उन्हीं के द्वारा हम सब तो इस प्रकार ये भागवत को चला रहा है। अब जब सर्व सृष्टि भगवान कारणोत्साही विष्णु कारण स्वयं हो गया और अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके रोग चित्तों से निकल रहे हैं जब कारण आप हो रही है और जब रोग रूप में अनेक अनेक ब्रह्मांड और निकल रहे हैं और एक ब्रह्मांड के अंदर भगवान वही कारणोत्साही विष्णु क्या करते हैं प्रवेश करते हैं तब अपने ही वपु शरीर से जल निकलता है स्वयं निकलता है और उसी से पूरा जो ब्रह्मांड है वो भर देते हैं आधा ब्रह्मांड भर देते और भगवान शेष सैया पर सहित करते हैं। अगले अध्याय का वर्णन है उदाहूतम विश्वमिदम तदा आसीत अहिंद्रे दशयान एक अकेले होते एक अनंत शेष की शैया पर भगवान सोए हुए और उस भगवान जब सोए हुए हैं तब उनके नाभि से एक कमल प्रकट होता है। नाभि कमल से एक कमल प्रकट होता है उस कमल और उसी कमल की डांडी के अंदर 14 भुवन है जो 14 भुवन की पृथ्वी पतल भीतल कलातल इत्यादि नीचे के साथ और ऊपर के जो लोग सकते हो ये जितने भी जो भुवन है वो सब कहाँ पर है उस गर्भोदशाई विष्णु की कमल से जो डांडी निकली है उस डांडी के अंदर हम बैठे हैं उसके अंदर सब पृथ्वी आदि लोग है और उस पृथ्वी लोग के अंदर हम बोलते हैं कि हम कहां पर फंसे हुए थे कमल की डांडी में फंसे हुए थे। कोई कहता है कि हम आजाद है आजाद नहीं है कमल की डांडी में हम एक नहीं 14 लोगों को सभी इस कमल की डांडी के अंदर और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तब ब्रह्मा जी ने देखा कि चारों ओर देखा ब्रह्मा जी ने कोई दिखाई या नहीं चारों ओर देखा तो चार मुंह हो गए तब से ब्रह्मा जी के कितने मुंह हुए चतुर्मुख चार मुंह ब्रह्मा जी के हो गए कोई दिखाई नहीं दिया। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया उस डांडी के ऊपर देख फिर देखा मैं कहां से आया हूं मैं कौन हूं ये कमल कहां से आया तो चलो इस कमल की जड़ में जाता हूं कमल का मूल तो नीचे रहेगा तो अनेक अनेक वर्षों तक ब्रह्मा जी स्नान कमल लाल के अंदर गए लेकिन उसका अंत नहीं था। अंदर आते ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं गेट की तरफ ऊपर नीचे जाते हैं लेकिन कमल का कुछ जो नीचे का मूल जो है वो प्राप्त ब्रह्मा जी थकने के बाद क्या किए ऊपर आकर बैठे जब ऊपर आकर बैठे नशोद आयुट समाधि योग तब उन्होंने सोचा ऐसे भागने से भगवान मिलने वाले नहीं है ऐसे भागने से कमल का मिलने वाला तब समाधि योग तब समाधि में बैठ गए और काले 100 वर्ष तक समाधि में बैठे एक दो घंटा दो चार घंटा 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी जो है उस समाधि में बैठे और समाधि के बैठने के बाद स्वयं तक अंतर हृदय भवास अपश्चत स्वयं भगवान जो है
जब थोड़ा भजन सब सबको भगवान का हम सब की इच्छा क्या है भगवान प्रकट हो जाए, यही इच्छा है कि मैं भजन करूं और भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाए। समाधि योगे न, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नाली के अंदर पहले ब्रह्मा जी की तरह ढूंढना पड़ेगा, पहले ढूंढना पड़ेगा। जब ढूंढते ढूंढते थक जाओगे जब शास्त्र खोलोगे, जब शास्त्र के पढ़ने खोल दोगे तब भी अगर आपको भगवान मिले तो क्या करना पड़ेगा, समाधि हो गए ना। इस कलयुग में क्या करना पड़ेगा, अरे नौवे अध्याय में
ब्रह्मा की स्तुति करते हैं और इस स्तुति के अंतर बहुत ही सुंदर श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं स्तुति प्रारंभ करने से पूर्व ब्रह्मा जी स्तुति क्यों करते हैं। जब भगवान ने आदेश दे दिया है तो स्तुति क्यों करते हैं। गर्भोदक शायद अंतर्यामी नवमे कृपा दृष्टि सामर्थ्य प्राप्त सृष्ट विश्वनाथ ठाकुर महाराज दर्शन में कहते हैं गर्भोदशायी को ब्रह्मा की स्तुति करते कृपा दृष्टि कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान के आशीर्वाद प्राप्त क्योंकि कुछ करना है। अगर भगवान की कृपा न रही कार्य करने जाएंगे तो सक्सेस होंगे प्रारंभ हुए सक्सेस तो न हो तो जाने दो लेकिन उसमें ज्यादा परिश्रम की लगेगी। तो कहते हैं कृपा विद्या सामर्थ्य प्राप्त आप मुझे जो विशेष स्मृति की सृजन करने की जो आदेश दिए हैं इसलिए सामर्थ्य प्राप्त कर उसकी समर्थता मुझे दीजिए मेरे में कोई शक्ति नहीं है आपकी जो मुझे आदेश दिया सर्वस्व विशेष स्मृति का सर्जन करना है तो मुझमें कोई सामर्थ्य नहीं है ना ही मौन बलो मेरे में कोई बल नहीं है। आप हमें बल दीजिए तो ब्रह्मा जी के पास तो दूसरा को वैष्णव ठाकुर है वहां तो भी तो सर्जन करता है ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी किसके पास आ गए भगवान से कि आप मुझे सामर्थ्य दीजिए मुझे बल दीजिए कि मैं इस आपका जो आदेश है विषय सृष्टि का वो मैं अच्छे तरीके से पालन कर सकता जिस प्रकार श्री बहुमान जब विदेश जाना था तब राजा ने मुझे से प्रार्थना किए गुरु से प्रार्थना किए वैष्णव से प्रार्थना किए कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है हे राजा दामोदर आपकी जैसी इच्छा होगी वैसा वहां होगा आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं वहां जाकर अपने इस गुरु की वाणी को वहां जाकर जगत में विश्व भावना का प्रचार करकर मैं विश्व भावना अच्छी तरीके से प्रचार कर सकूं इसमें सक्सेस क्या इसके लिए वैष्णव से और भगवान से प्रार्थना प्रार्थना तो कुछ भी कार्य करने से पहले एक तो हम समझ में आ गया स्तोत्र गाना चाहिए स्तुति करनी चाहिए कि मुझ में बल नहीं है तो ओके ब्रह्मा जी तो एक बार मांग लो तो शक्ति तो दे दी खाली शक्ति के लिए ब्रह्मा जी नहीं मांग रहे और भी सुंदरिया आगे कहते हैं कि ब्रह्मा जी की स्तुति में दूसरा श्लोक है लेकिन इसके 24 और 25 श्लोक पर जाएंगे ना तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं स्तुति क्यों कर रहा हूं सब सर्व की शक्ति दे दी शक्ति दे दिया तो आपका सामर्थ्य क्या हो गया। तो ब्रह्मा जी कहे खाली सामर्थ्य की शक्ति नहीं चाहता हूं क्या चाहते हो तो मैंने किया उस ऐसा जो अभिमान है उस अभिमान की मेरे अंदर न आए कि मेरी प्रबलेव ये सर्जन मेरा है ऐसा अहंकार था इसलिए तो एक तो आप सामर्थ्य दो अगर सामर्थ्य दे दिया अगर अभिमान वाला नहीं मांगा भगवान से तो हम अपने नाम से चले जाएंगे ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम ब्रह्म ऐसा कर क्योंकि मैंने सर्जन किया तो ऐसा अभिमान ना आए ये मैंने किया और साथ साथ में इस सर्जन का तीसरा कारण क्यों प्रार्थना करते हैं तीसरा कारण कि आप जब मैं सृष्टि का सर्जन करूं तब मुझे भजन साधन से तो विलग होना पड़ेगा समाधि से तो बाहर आना पड़ेगा ऐसा नहीं कि माला लेकर मैं बना सकूं कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी।
तो जब मैं वचन साथ जब सर्जन का कार्य करूं तब मैं जो मेरे में रूपम रूपम विचित्र विगमस्त विश्व तो मानिष्ट विगमस्त गिराम विसर्ग मानिष्ट निगमस्त गिराम विसर्ग निगम निगम के आदेश वेदों के आदेश में आपके आदेश में विलंब न होगा। कई बार ऐसा होता है हमें कुछ सेवा प्राप्त होती है तो सेवा का हम इतना आनंद हो जाते हैं कि भगवान का क्या आदेश है हमारा भजन साधन क्या है वो भूल जाते हैं। तो ब्रह्मा जी यहां कह रहे हैं कि मैं जब सर्जन करूं तो सर्जन के साथ साथ मेरा भजन भी बना रहे, मैं नियम वेदों से विलग्न हो जाऊं, क्योंकि आप मुझे नजर हुआ कार्य दे रहे हैं सर्जन करना अनुकूल कार्य होगा तब होगा। और हमें क्या रहना शुद्ध सत्व में रहना है, बराबर। हम सब भक्तों की इच्छा क्या होती है शुद्ध सत्व में रहने, शुद्ध सत्व में आने से पहले सत्व में आना चाहिए, रहना हमको शुद्ध सत्व में। तो ब्रह्मा जी यहां प्रार्थना इसीलिए कर रहे हैं कि जब मैं सर्जन करूं आपकी सेवा में उपस्थित हूं, सर्जन करने करने कभी मैं वेदों की जो बातें है आदेश जो है आपका जो भजन साधन जो कर रहा था वो कहीं छूट न जाए, आपका भजन साधन कोई छूट न जाए। हमें सामान्य भौतिक जगत में ऐसा देखा जाता है कि कई बार भजन करते हैं दो चार साल भजन हो जाता है, फिर भक्त के मन में विचार आता है कि भजन तो इतना चल रहा है अच्छा चल रहा है थोड़ा भी भौतिक कार्य बढ़ा, तो भजन को साइड में करता है और भौतिक कार्य में प्रगति करने के लिए उत्सुकता हो जाता है। जब उत्सुक हो जाता है तो भौतिक कार्य में थोड़ी थोड़ी सफलता मिलती जाती है ना, तब वो भजन वाला जो है ना वो एकदम पीछे रह जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं जब भौतिक सृष्टि की सर्जन का लगू तब मैं आपके भजन से विलग्न हो जाता हूं। इसके लिए भगवान ब्रह्मा जी यहां स्तुति कर रहे हैं और साथ साथ में गिरधर नाथ जी कहते हैं तस्य सा परितुष्टयो अरे ब्रह्म कृता स्तुति। जब ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं भगवान गर्भोदचाय विष्णु को तुष्ट प्रार्थना और वरदान से इस नवमें अध्याय में इस 32 श्लोकों में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद वरदान भगवान वरदान देते जा करो नहीं तुम्हें अभिमान आएगा, तुम्हें जो सर्जन करने की जो शक्ति चाहिए वो शक्ति भी मैं दूंगा और ये सब कार्य हो जाने के बाद आप वापस सत्य लोग में आकर मेरा भजन करोगे। शक्ति भी बनी रहे सर्जन का कार्य हमारा जो कार्य है उसका भौतिक कार्य भी हमारा चलता रहे और भजन से विलग भी न हो जाओ, डेली राधा की ताई में दर्शन करने आ जाओ मंगल आरती आ जाओ इत्यादि जो जो साधना कर रहे उन सब की साधना उसी प्रकार की चलती रहे। इसके लिए क्या करना है स्तोत्र स्तुति प्रार्थना करनी है भगवान से कि आप मुझे इससे बचा के रखें। और श्रीमद् भागवतम में देखा जाए तो भागवतम में प्राय स्तुतियां ही है, भागवतम में क्या है स्तुतियां। हम अभी वृंदावन गए थे तो वहां एक आचार्य से सुन रहे थे ये भागवतम में क्या है स्तुतियां ही स्तुति की गई है। यहां पर ब्रह्मा की स्तुति कर रहे हैं, अलग अलग जगह प्रहलाद महाराज स्तुति कर रहे हैं, ऐसे कथाएं तो विस्तार से अलग पुराण में बहुत है, नरसिंह पुराण में पूरा पुराण है और प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव का चरित्र
खाली सात स्कंध में दस अध्याय होंगे, लेकिन वहां पर क्या है, पूरा पुराण पड़ा। लेकिन प्रहलाद महाराज ने जिस प्रकार की स्तुति की है, वैसी स्तुति उन पुराणों में हमें प्राप्त नहीं होती। इसलिए भागवत जो है इसमें स्तुतिया मत्स्य पुराण आठवीं स्कंध के 24वें अध्याय, एक ही अध्याय पूरा मत्स्य अवतार का वर्णन है। और अलग से देखा जाए तो पूरा मत्स्य पुराण अलग से पड़ा है, कितने अध्याय कितने हजार श्लोक है। लेकिन मत्स्य अवतार में जो राजा सत्यव्रत मुनि जो स्तुति करते हैं वो विशुद्ध स्तुति है, वो दूसरी जगह में प्राप्त नहीं। महाभारत देखिए, कौरव और पांडवों के बीच कितना महाभारत, 1,00,000 श्लोकों से भरा हुआ है महाभारत। लेकिन वहां जिस प्रकार यहां कुंती महाराज ने स्तुति की है, वैसी स्तुति हमें वहां पर प्राप्त। इसलिए सबसे जरूरी है स्तोत्र। इसलिए हम भक्तों को इन जो स्तुतियों की जो श्लोक है उस श्लोकों को कंठस्थ करना चाहिए और भगवान को सुनाना चाहिए, और जिससे भगवान क्या होंगे, प्रसन्न होंगे और वरदान। जैसे जब वृंदावन में गए तो वहां आचार्य और वह राज्य ने दूसरा भी बताया कि इस वृंदावन कुंभ जो है, इस कुंभ में सबसे वहां स्नान तो प्रमुख नहीं था, वहां वैष्णव के जो दर्शन है यही यहां का, वैष्णव के जो दर्शन है, महान महान संतों के महान महान जो वैष्णव है उनके दर्शन है यही यहां का कुंभ है। कोई कहता है कि मैं शाही स्नान में जाऊं, ये स्नान को चाहे अमावस्य का स्नान है, एकादशी का स्नान है, शाही स्नान, ये स्नान, उस शाही स्नान के भले स्नान करें, सब स्नान करते हैं, लेकिन स्नान करने के लिए जब महान महान वैष्णव अपने भजन साधन से बाहर आकर जब दर्शन देते हैं हम भक्तों के लिए, तो शाही स्नान उनका दर्शन ही शाही स्नान। गंगारे परश होइले पश्चाते पावन, दर्शन पवित्र करो यही गोमान, शाही स्नान स्नान करी पश्चाते पावन। और वहां तो जब वैष्णव वहां से निकलते हैं और उनके दर्शन होते हैं तभी हमारा मन सफल होता है। और वैसे हुए भी, कई भक्त आए हुए थे हमारे से पहले भी गए, भी जाने वाले थे, बहुत परम पूज्य बोलने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी आए थे, और महाराज जी भी अपने परम पूज्य राधा गोस्वामी महाराज भी कुंभ में दर्शन के लिए गए थे, वहां स्नान के लिए आजकल करके महाराज जी भी गए थे। हम यहाँ तलस रहे और वहां उस कुंभ में दर्शन देने के लिए महाराज, कई कई महान महान आचार्य वहां दर्शन। और महाराज जी पर्सनल बात है महाराज जी से, तब महाराज जी से मैं कहा क्योंकि थोड़े दिन पहले महाराज जी बनारस गए थे, काशी काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए गए। ऐसे तो हम मैं और भंडसुंदर को राजे सब महाराज जी से कई बार मिले, लेकिन पर्सनल महाराज जी के रूप में बैठे थे और महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आप कहते थे कि मैं आऊंगा आऊंगा, आप बता रहे थे, लेकिन आप ब्रज में वास कर रहे हैं, ब्रज से बाहर निकलने के लिए, तो आप काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए गए थे, तो आपको राजा राजविहार के दर्शन के लिए, राजा गिरिजाए के दर्शन के लिए नहीं आना चाहिए। मैं तब महाराज जी को निवेदन किया, जब काशी विश्वनाथ जी के लिए जा रहे तो गिरा राजविहार के गिरिजाए के लिए जाइए। तब महाराज जी ने कहा, महाराज जी कैसे कहे नहीं कहते कई बात कहे, फिर महाराज जी ने कहा जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब हम मुंबई आएंगे। सोचा महाराज जी कोरोना तो ऐसे चलने वाला है, कब खत्म हो क्या पता, लेकिन खत्म होगा तब हम आएंगे। महाराज जी ने कहा
फिर भी महाराज जी थोड़ा समय तो बोलना चाहिए था, वरना खत्म ही नहीं हुआ और साल निकल जाएगा। तो चार छह महीना ऐसा महाराज जी जब वो महाप्रसाद वो सब साथ में तब ऐसे ही मैं उनके मुंह से बोला कि दूसरी बार कह सके महाराज जी चार छह महीने तो चले गए अभी तो आए। तो इस बार महाराज जी से थोड़ा निवेदन करके आया। तो ऐसे महान महान वैष्णव के वहां जो दर्शन होते हैं वही प्रभु। यहां की हम जो बात कर रहे हैं स्तुतिया, स्तुतिया की गान कर रहे हैं और स्तुतिया गान करते करते ब्रह्मा जी अभी स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं और स्तुति प्रारंभ में ये दूसरा श्लोक है। रूपम यदेतव बोधन सोदयेन शश्वानिकृत तमस सदनुग्रहाय आदो कृतम अवतार शतेक बीजम यन्ना विपद्म भवना अहमाविरास। जब भगवान का रूप का दर्शन हुआ तब इदानीं केश्चित् भगवद् विग्रहस्यापि प्राकृतं मन्यते तन्मते निराकृतस्य सच्चिदानन्द जब भगवान का ऐसा रूप देखा तब यहाँ पर कहते हैं केश्चित् भगवद् विग्रह तो प्राकृत हो, वो ऐसा समझे कि भगवान का ये रूप जो है प्राकृत है, हमारा जैसा प्राकृत है वैसे ही का प्राकृत शरीर है। इसीलिए यहाँ दो श्लोकों में भगवान का विग्रह कैसा है उसके बारे में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। निराकृत उसका सच्चिदानंद भगवान का विग्रह कैसा है सच्चिदानंद है वैसा प्रतिपाद्य करने के लिए आज का आज दूसरा और तीसरा श्लोक कह रहे ब्रह्मा जी। यत्र एक रूपम, यह रूप जो ब्रह्मा जी सामने खड़े भगवान और देख रहे और कह रहे आपका जो यह रूप है वह कैसा है। अवबोध रसोदयेन शश्वत निवृत्त तमस, आपका जो स्वरूप है अवबोध रस उदयेन शश्वत सब चित आनंद, तीन शब्द है सब चित आनंद ज्ञान शक्ति। भगवान का जो रूप है वो ज्ञान शक्ति से पूरा भरा हुआ है, पूर्ण ज्ञान बोध रस उदयेन। जिस तरह भौतिक जो हमारा जो शरीर है प्राकृत शरीर है उसमें ज्ञान शक्ति टिकती नहीं है क्योंकि हम यहाँ कहते हैं देखते देखते कहते हैं कि दो दिन से तैयारी कर रहे फिर भी हमारे में कोई ज्ञान तत्व टिकता नहीं है। भगवान का जो विग्रह है वो सच्चित आनंद है, आनंद वस्तु है सत्य है शाश्वत है और ज्ञान नहीं है। तो अवबोध रस उदयेन शश्वत, ज्ञान शक्ति जो है वो शश्वत काल के लिए भगवान में उदित रहती है और तमस निवृत, और जो अज्ञान है वो कभी भगवान के पास जा सकता निवृत तमस अज्ञान से एक दूर। प्रभुपाद जी यहां कहते हैं अंतरंगाशक्ति और भौतिक कल्मश, भगवान की जो धाम है वो अंतरंगा शक्ति से आवरित अंतरंगा शक्ति है और हमारा जो भौतिक जगत है वो भौतिक कल्मश से। तो भौतिक जगत की कोई भी वस्तु अंतरंगा शक्ति तो भगवान के धाम में नहीं जा सकती। प्रभुपाद की स्मरण कि यहाँ की कोई भी चीज हम वहां ले जा सकते निवृत्त तमस, इस कल्मश पर भौतिक जगत के सर्वदा को इसलिए तो भगवान का जो धाम है वो अवबोध रसोदयेन शश्वत तमस। तो कहते हैं एतद् रूपग्रहण प्रयोजनवाह, जब भगवान का ऐसा रूप है तो ऐसे तो भगवान का रूप अवतार लेने का प्रयोजन क्या है जब ऐसे तो वहां के लिए राज है।
ऊपर अगर अच्छा है मेरा खराब है, खराब वाला अच्छे वाले के पास जाए तो बराबर है, लेकिन अच्छा वाला खराब के पास क्यों आता है? बराबर ना? तो हमें तो भगवान के धाम जाना है कि हम ये भौतिक जगत खराब है इसके लिए जाना है, लेकिन भगवान यहाँ पर क्यों आते हैं? उनका क्या वहां पर है? उनको तो आदत नहीं है, उनका घर तो अच्छा है, वो क्यों वहां पर आते हैं? तो उसके प्रयोजन आह सद अनुग्रहाय, भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं। इसलिए कहते हैं सद अनुग्रहाय, भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है भक्तों पर कृपा करने के लिए, भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। आदो गृहीतम, और साथ साथ में इस भौतिक जगत को जब प्रकट कर रहे हैं आदो गृहीतम सदनुग्रहाय, आदो गृहीतम इस भौतिक जगत को प्रकट कर दिया है उससे पूर्व ही भगवान रेडी है कि नीचे जा रहे हैं तो वहां पर भी भजन साधन करने वाले होंगे, तो उनके लिए मुझे वहां पर उद्धार धारण करना पड़ेगा। तो भगवान शाश्वत रूप से आदो गृहीतम, भक्त भगवान से प्रार्थना करे उससे पहले भगवान का अवतार प्रकट हो जाता है। आदो गृहीतम सदनुग्रहाय, आदो गृहीतम उससे पूर्व जिस तरह प्रहलाद महाराज ने स्तुति की नरसिंहदेव को प्रकट करने के लिए, नरसिंहदेव प्रकट हुए लेकिन नरसिंहदेव का स्वरूप शाश्वत है, इस भौतिक जगत में अभी प्रकट हुए हैं, प्रहलाद जी के सामने अभी प्रकट हुए, लेकिन ऐसे तो उनका एक विग्रह शाश्वत विग्रह है, वराह है, वामन का इत्यादि जो है विग्रह शाश्वत विग्रह है। तो आदो गृहीतम, भक्त प्रार्थना करे उनके लिए प्रकट होना हो उससे पूर्व भगवान इतने भक्तों की रक्षा करते हैं कि उससे पूर्व अवतार धारण करते हैं। सदनुग्रहाय आदो गृहीतम, और आगे कहते सतांशो उपासना काम अनुग्रह तद फल मादाय क्या स्वातंत्र्य आदि प्रथम गृहित नो मृत्यु उपासना दृश्यते एवं तद कथमेव रूप अनुग्रहण तद कथमेव रूपेण अनुग्रहण क्या शंकया यस्य तव नाभि। जब भगवान आदो गृहीतम अवतार शतेत बीजम, और कितने अवतार शतेत बीज अनंत अनंत अवतार, भगवान एक अवतार नहीं देते। और आप जो है यहां पर जो विष्णु गर्भोदोचाय विष्णु को दिखाकर उनको प्रार्थना करते, आप जो है शतेत बीज अवतार मूल काल मूल हो, क्योंकि इस गर्भोदोचाय विष्णु से ही आगे शिरोदोचाय विष्णु होंगे, वही श्रोतक साई विष्णु पर जाकर सब प्रार्थना करते हैं। पयोनिधि स्थित ब्रह्मा जी जब दशम स्कंध प्रारंभ में वो भूतवाश्रमुखी, जब पृथ्वी दुखी थी तो गाय का रूप लेकर जब गई शिर पयोनिधे, शिर पयोनिधि पर गई शिर सागर में, और शिर सागर में श्रोतक साई विष्णु है वो कहां से प्रकट हुए? गर्भोदक साई विष्णु। तो कहते हैं अवतार शतेक बीजम, अनंत अनंत अवतार है भगवान के, और उस अवतार का बीज कौन है? वो है आप मूल है। एक नाम जब प्रथम स्कंध के तृतीय अध्याय में 24 अवतारों का वर्णन है वहां पर भी सेम बात कही गई है, एतन नाना अवतारों विधानम बीजम हो गए, एतन नाना अवतारों विधानम बीजम हो गए, ये जो नाना अवतार धारण कर रहे हैं आगे 24 अवतारों का वर्णन करेंगे उसका बीज आप। यंश अंशेन सृज्यते देवतुल्यं नराधयः, आपके अंश और उस अंश से
कई कई देव तिर्यक देवताओं मनुष्य नर आदि कितने प्रकट होते हैं, क्योंकि गर्भोदक साई से शिरोदक साई, शिरोदक साई से आगे परमात्मा रूप में भगवान सबके हृदय में। तो कहे कि अवतार बीज आपको तो कैसे कह सके कि अवतार बीजम तो हम अभी प्रत्यक्ष में बात किया। कोई कह ले कि अवतार बीज तो आप हो, नहीं शिरोदक साई कहे नहीं मैं नहीं हूं, ऐसा कहे तो कि नहीं प्रत्यक्ष मैं देखा। क्या लिखा? यह नाम पद्म भवनाम दमाम विरास, आपके नाभि से जो कमल निकला है उस कमल में अहम विराज, उस नाभि के कमल के अग्रभाग में वहां पर मैं विराजमान हूं और मैंने ये स्वयं देखा, प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इस जगत इस कमल की नाभि के अंदर 14 भुवन में कितने चक्कर काटे मुझे कोई नहीं दिया। कि कोई कहे कि मैं अवतार हूं मैं भगवान हूं, कोई जीव नहीं, कोई व्यक्ति को शतेकाव शतेक अवतार बीज जो अवतार बीज है वो भगवान। तो यहां पर ब्रह्मा जी इस श्लोक में और अगले श्लोक में ना किंचित अस्ति आपके परे कोई नहीं है ऐसा आगे तीसरा श्लोक जो कल आएगा, लेकिन आज के श्लोक में हमें इतना याद रखना चाहिए आज के सत्र से अंदर से ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना से क्या मिलता है भगवान की आशीष वरदान। और प्रार्थना क्यों करनी है? साम्राज्य प्राप्त करने के लिए, अहंकार न आए इसके लिए, और भक्ति से कहीं छूट न जाए इसके लिए प्रार्थना। ब्रह्मा जी की प्रार्थना में ये आचार्य लोग इसके लिए इस नौवें अध्याय में क्या पूरा विश्लेषण एक ही श्लोक में चल रहे, एक ही श्लोक में कि इसमें से लेना क्या है, नहीं हमें वहां गर्भोदक साई के पास जाना है बराबर, न हम कमल की नाली के अंदर जा सकते हैं, अरे मिरर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और नाली में किधर जाएंगे 14 भुवन में, नहीं हमें नाभि कमल के अंदर प्रकट होना है ऊपर के चक्कर काटना, नहीं हमें क्षीर सागर में नहीं जा सकते तो गर्भोदक को कहां जाएंगे, लेकिन वहां का जो उपदेश है जो आचार्यों ने कहा है कि इस सर्ग और विसर्ग से हमें लेना क्या है, ये श्रीधर स्वामी पाठ ये विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं इससे लेना हमें ये कि हम कहीं इस कृष्ण भावना से जुड़े हुए हैं और इस बंबई शहर में कृष्ण भावना से जुड़े जुड़े रहते 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 कहीं दुसंग में ना आ जाए और दुसंग में आकर कहीं हमसे कृष्ण भावना छूट न जाए इसके लिए प्रार्थना कर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम, कहीं दूसंग से कृष्ण भावना को तो छूट ना जाए ये प्रार्थना हमें करनी है। और कहेंगे हमें हमारे में बहुत सामर्थ्य है हम कैसे छूट सकते हैं, इतने साल से मंदिर जा रहे तिलक कर रहे कंठी ले रहे, अहंकार नहीं करना चाहिए, आज मैं पूजेंगे गंगा लेने वाले सन्यासी भी अगर ध्यान न रखे तो पद से छूट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी यहां प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं छूट ना हो जाऊं, जब भगवान प्रकट हुए हैं तो ब्रह्म को मिला वही छूट हो गए वही कोई हो गए, प्रार्थना करने वाला जिन पर भगवान की कई आशीष है विसर्ग की सृष्टि का सर्जन दिया शक्ति दी फिर भी ब्रह्मा जी एक दिन के लिए क्या हो गए माया में मोहित हो गए, ब्रह्म भी मोहन मिला हो गई, स्तुति की भगवान ने दर्शन दिया सामर्थ्य दिया फिर भी मोहित हो गए, तो हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं इतना बड़ा भगत हूं
इतनी माला करता हूँ, इतने सालों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अलग नहीं हो सकता, मेरा रग रग में खिचड़ी हुई